हेलो गाइज़, आई होप एवरी वन इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई यार, सीन कुछ ऐसा है कि मैं ये काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे और ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि भाई स्टूडेंट जो हैं वो ये बात पूछ रहे थे या जो कनाडा आना चाहते हैं वो ये बात पूछ रहे थे जो अकाउंट्स और फाइनेंस के बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं कि भाई स्टूडेंट वीज़ा ऑन CPA कनाडा। और वो लोग मतलब ये बात समझ नहीं पा रहे थे या ये गलती कर पा रहे थे। वो लोग ये समझ रहे थे कि जैसे CPA कनाडा है उसके बेसिस पे हमें जो है वो, ये तो उनको पता था कि भाई CPA कनाडा क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है। ये एक लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है जैसे कि है हमारे पाकिस्तान में है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, इसी तरह इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया, इसी तरह स्कॉटलैंड की है, UK की है, इंग्लैंड एंड वेल्स, और फिर हर कंट्री की अपनी अपनी राइट। अच्छा, US और कनाडा में जो है वो चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं जिनको हम CPA कनाडा कहते हैं, और US के अंदर जो होता है वो CPA US होता है। अच्छा, तो सीन ये है कि सब ये समझ पा रहे हैं कि भाई स्टडी वीज़ा ऑन CPA कनाडा, स्टडी वीज़ा ऑन CPA कनाडा की बार बार एक हर किसी ने रट लगाई हुई है। और उसका इशू सारा ये है कि भाई आप ये बात समझ नहीं पा रहे कि आपको ये जहन में रखना है कि CPA कनाडा जो है वो एक सर्टिफिकेशन है, जैसे ACC एक सर्टिफिकेशन है, राइट। ऑल्दो उसके अंदर एक डिग्री का ऑप्शन है, लेकिन CPA कनाडा इज़ नॉट अ डिग्री, इट्स अ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कहलाते हैं ये, ठीक है। और ये CPA कनाडा के अंदर जो है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भाई फ़र्क क्या होता है। जो इंटरनेशनली ज़्यादातर आजकल पढ़ा जा रहा है या अप्लाई हो रहा है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS अप्लाई हो रहा था, लेकिन US और कनाडा के अंदर जो है वो उनके US GAAP अप्लाई हो रहा होता है, राइट। तो इनकी पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या होती है, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंप्लीमेंट डिफरेंट तरीके से हो रहे होते हैं। अब हम बैक टू द टॉपिक आते हैं कि भाई स्टूडेंट वीज़ा ऑन CPA कनाडा। अच्छा भाई, ये बात जहन में रख लें और ये बात नोट कर लें। जो लोग मुझे ईमेल्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, या ये बात हम लोग जो है वो मैं व्यूअर्स तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि कभी भी CPA कनाडा के ऊपर स्टडी वीज़ा आपका नहीं लगेगा। अगर आपने ACC किया हुआ है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, किसी भी पूरी दुनिया में से किसी भी कंट्री के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको CPA कनाडा की मेंबरशिप के बेसिस पे आपको चांस हो सकता है, लेकिन उसके बेसिस पे आप कनाडा नहीं आ सकते। हाँ, आपको अपनी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बेस पे डायरेक्ट जॉब भी मिल सकती है कनाडा के अंदर। अच्छा, आप स्टडी वीज़ा पे भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आपको कोई डिग्री प्रोग्राम जो है वो आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस मेरा क्या सिनेरियो है, मैं अपने सिनेरियो एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ आ जाए। जैसे मैं ACC हूँ, राइट, मेरा ACC का बैकग्राउंड है, तो मैं ACC के बैकग्राउंड के बेसिस पे मेरे पास जो है वो मैं ये सोचूंगा कि यार मुझे अब CPA कनाडा भी करना है, क्योंकि मैं तो कनाडा में हूँ, मुझे तो कैरियर कनाडा में बनाना है। तो भाई मैं ये सोचूंगा ना कि मुझे CPA कनाडा करना है। तो मैं आया एक्चुअली यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री पे, लाइट, इट्स MBA, राइट। तो MBA जब मैं यहाँ पे करने आया तो अब मैं CPA कनाडा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ और इनकी इक्वलेंसी वगैरह ले सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इसमें 2-3 पॉइंट्स और भी मैं वीडियो के एंड तक लेके आप लोग देखें तो मैं और 1-2 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो मुझे आप ही रिसेंटली पता चले। स्टडी वीज़ा CPA कनाडा की बेसिस पे नहीं लगता, वो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। स्टडी वीज़ा उसके बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि CPA कनाडा का कोई एक लेंथ ऑफ ड्यूरेशन नहीं पता कि भाई ये 3 साल का ही होता है या 4 साल का होता है। डिग्री प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम, दैट इज़ डिप्लोमा 2 साल के होते हैं, 1 साल का भी होता है, डिग्री 2 साल की होती है मास्टर्स की, जैसे यहाँ पे कनाडा में बैचलर्स जो है वो 4 साल का होता है। एसोसिएट प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमा है, वो 2-2 साल के होते हैं, 1-1 साल के होते हैं, राइट। उनके ऊपर जब आप अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में किसी भी अपने रेलेवेंट प्रोग्राम में, तो आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा कनाडा का, और उस एक ड्यूरेशन के लिए, लाइक 3 साल के लिए मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा अगर 2 साल का प्रोग्राम, अगर 4 साल का प्रोग्राम है तो 5 साल का मिलेगा, 2 साल का तो 3 साल का आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा। बट आपको ये उसमें के बाद जहन में रखना है कि आपको कनाडा जो आप आओगे वो इन प्रोग्राम्स की बेसिस पे आओगे, लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एडमिशन वगैरह लेके। अब बहुत सारे लोग जो है वो अप्रोच जो करते हैं, लिंक्डइन पे भी काफ़ी कर रहे होते हैं कि भाई हमें CPA कनाडा करना है। भाई देखो, CPA कनाडा, आप CPA कनाडा की पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है। पहले क्या था कि अगर आप ACC के मेंबर हो, आप चलो ACC के भी MRA जो है वो एक्सपायर हो चुका है, अगर आप ICAP के मेंबर हो, आप ICAI के मेंबर्स हो, आप ICW के मेंबर हो, तो आप CPA कनाडा जो है वो डायरेक्ट क्लेम कर सकते हो, आपको CPA कनाडा की भी मेंबरशिप मिल जाएगी। बट वो तब तक था। अब बहुत सारे लोगों ने जो मिडिल ईस्ट में हैं या बाकी सब जगहों पे हैं, वो जो था वो 2021 में तक, उससे पहले जिन्होंने अप्लाई किया था उनको मिल गई थी मेंबरशिप। बट उसके बाद से ये पॉलिसी आ गई है कि भाई अब आपको, अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा तो आपको CPA कनाडा की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे आके मिलेगी। तो यहाँ पे आने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको या तो मास्टर्स में एडमिशन लेना है या बैचलर्स में लेना है, फिर आके आपको यहाँ पर फर्दर ऑन CPA कनाडा आप कर सकते हो, 2 साल के एसोसिएट प्रोग्राम में आ सकते हो, XYZ जो भी चीज़ें। आप यहाँ पे आपको स्टडी वीज़ा पे डिग्री और डिप्लोमा जो भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में आके करते हो उसके बाद आप सीपीए कनाडा कर सकते हो। अच्छा, जो भी लोग स्टडी वीज़ा पे होते हैं या वर्क परमिट पे होते हैं वो यहाँ पे आके डायरेक्ट फिर सीपीए कनाडा में एडमिशन लेके अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडीज़। और ये बात जहन में रखें कि यहाँ के जो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स हैं वो आपकी फ़ीस पे कर देते हैं सीपीए कनाडा की। मेजॉरिटी के आपको इक्वलेंसी लेनी पड़ती है मेम्बरशिप की। अगर आप मेम्बर ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या ऑलरेडी आप किसी भी कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो डायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, आप पार्शली क्वालिफाइड हैं, तो फिर यहाँ पे आपको जो है वो एक ट्रांसक्रिप्ट असेसमेंट करवानी पड़ेगी। इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि भाई ट्रांसक्रिप्ट असेसमेंट कैसे बनवाते हैं, क्या करते हैं। उसमें आप जिस भी प्रोविंस के अंदर होंगे उसी की बॉडी को आप मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे सॉरी, और उनकी वेबसाइट पर जाके जैसे सीपीए बीसी है ब्रिटिश कोलंबिया, सीपीए ऑन्टेरियो है ऑन्टेरियो के लिए, सीपीए अल्बर्टा है अल्बर्टा के प्रोविंस में अगर आप हैं तो उनको ईमेल करेंगे, बोलेंगे भाई मैंने इतने पेपर्स अपनी लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन की किए हैं, अब मैं सीपीए कनाडा करना चाहता हूँ। तो वो आपकी जो भी डिग्रीज़ हैं, क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, उनको लेंगे, आप उनको चेक करेंगे और अपने बेसिस पर ट्रांसक्रिप्ट की असेसमेंट दे देंगे कि भाई आपको और इतने सीपीए कनाडा के पेपर देने पड़ेंगे, आपको हम इतनी एग्जामिनेशन देते हैं, XYZ जो भी है। तो इस तरह होता है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि मैं यार सीपीए कनाडा की वेबसाइट पे अप्लाई करूँ और मैं उसके बेसिस पे स्टडी वीज़ा फ़ाइल कर दूँ कनाडा का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं होता। तो ये गाइज़ ये बात जहन में रखें कि डायरेक्ट आप सीपीए कनाडा के बेसिस पे नहीं आ सकते कनाडा, आपको यूनिवर्सिटी या डिग्री के पाथवे के थ्रू आना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए। एंड तक रुकने का मकसद ये था वीडियो में कि भाई ये बात जहन में रखें कि अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा, अपडेट ये था कि आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं, तो अब से आप आउटसाइड ऑफ कनाडा पे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर भी हैं किसी भी बॉडी के अपनी होम कंट्री के, तो आप सीपीए कनाडा मेंबरशिप क्लेम कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू बी इन कनाडा। आप अगर कनाडा से बाहर हैं तो उसमें आपका काम नहीं होगा, अब वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे और आपको ईमेल करके मना कर देंगे कि हम आउटसाइड ऑफ जो कनाडा है हम उनको एंटरटेन नहीं कर रहे। तो गाइस दैट्स इट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो गाइस फॉलो वगैरह करें और सब्सक्राइब करें चैनल, बाकी शेयर करें जितना आप लोग कर सकते हैं, ताकि यार काम मेरा यही है कि मैं जो एक हैशटैग लेके चल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि भाई ग्रो टुगेदर। अगर मैं आ गया और मैं ये सोचूं कि यार बाकी ना आ सकें तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और मैंने एक दो चीज़ें नोटिस भी ये भी की हैं कि भाई आप दूसरों को हेल्प करो तो आपकी खुद की भी हेल्प हो रही होती है। खुद की ये हेल्प हो रही होती है कि भाई आप खुद भी जो है अपने जो है आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, अपने कनेक्शंस बढ़ाते हो। तो उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ और आई वुड से कि इसको लॉन्ग टर्म लेके ये चलेंगे कि हम लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।